नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल। और आज का ये वीडियो है मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल मेष राशि में चलेंगे आज रात 11:48 से मेष राशि में। मंगल मेष राशि में चलेंगे 22 मार्च 2019 तक। लेकिन आज का जो ये वीडियो है मंगल का अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में क्या फल होगा, वृश्चिक राशि में जन्मे हुए प्रत्येक जातकों के लिए, तो सर्वप्रथम बात करेंगे कि आज जो ये जो मंगल है अश्विनी नक्षत्र में चलेंगे रात को 11:48 को, ये 25 फरवरी को शाम को 5:35 तक चलेंगे अश्विनी नक्षत्र में। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20 दिन का जो पीरियड है 5 से लेकर 25 मंगल अश्विनी नक्षत्र में चलेंगे, तो ये राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के लिए कैसा होगा और कौन कौन से नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ज़्यादा शुभ होगा। तो सर्वप्रथम बता दें कि जो ये मंगल आपके पंचम स्थान में चल रहे हैं, जो अभी ये आज से चलेंगे 6वें स्थान के अंदर। वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए ये जो मंगल है ये शत्रु विजय योग करवाने वाला योग करता है और शत्रुओं के ऊपर आपका विजय रहेगा, रोग एवं शत्रु पर विजय रहेगा। भाग्योदय में थोड़ा सा रुकावट महसूस करेंगे और थोड़ा सा आपको टेक केयर करना होगा अपनी आई साइट का, खर्चा आपका बढ़ेगा, खर्च शायद मेडिकल एक्सपेंस भी आ सकता है क्योंकि 12वें स्थान में मंगल की दृष्टि है और ये मंगल जो है वो आपके जन्म के चंद्र के साथ अष्टम दृष्टि के कारण लक्ष्मी योग भी करते हैं, जिसके कारण आपका फाइनेंस का बेनिफिट भी बढ़ता है, आपके मेंटल स्ट्रेंथ में कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होती है। तो ये मंगल का फल है, लेकिन नक्षत्र से क्या फल है, नक्षत्र से मंगल का फल क्या है, तो सर्वप्रथम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए। तो विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए जो भी जातक हैं इनके लिए थोड़ा सा मध्यम फलदायी रहेंगे, इतना शुभ नहीं है। वैसे तो शुभ फल देने वाले हैं लेकिन वृश्चिक राशि में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र वाले को है। वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए मंगल जो भी जातक हैं इनके लिए जो ये मंगल का फल है ये आपके संपत तारा के अंदर है। तो संपत तारा के अंदर मंगल आपको एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाले होंगे, रोग एवं शत्रु पर आपका विजय रहेगा, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको यदि आपका जन्म वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक हैं तो 5 से लेकर 25 फरवरी आपके लिए सुपर पीरियड है। यदि आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं, यदि आप कंस्ट्रक्शन से हैं, यदि आपका ज़मीन का कारोबार है, ज़मीन एस्टेट का काम है, तो मंगल, यदि आप पुलिस में हैं, यदि आप मिलिट्री में हैं, यदि डॉक्टर हैं, तो ये जो प्रोफेशन है मंगल के प्रोफेशन में है, और यदि आपका जन्म का नक्षत्र ज्येष्ठ है तो आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ फल है।